कटनी का जिला अस्पताल अपनी विवादित कार्यप्रणाली के चलते हमेशा सुर्खियों में बना रहता है और आज सिविल अस्पताल एक नए विवाद के चलते सुर्खियों में आ गया। इस बार जिला अस्पताल में एक महिला डॉक्टर ने सिविल सर्जन पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगा दिया। महिला डॉक्टर सुनीता सिंह ने बताया कि वो कटनी जिला अस्पताल में 2013 से पदस्थ हैं। करीब 10 साल हो गए हैं वो इस डॉक्टर दंपत्ति की वजह से परेशान हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर यशवंत वर्मा और उनकी पत्नी डॉक्टर सुनीता वर्मा पर मानसिक प्रताड़ित करने के आरोप लगाते हुए डॉक्टर सुनीता सिंह ने इनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए पत्राचार भी किया है। उन्होंने कहा कि इस जोड़े के विरुद्ध सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। मुझे पिछले 10 सालों से महिला ओपीडी और कैजुअल्टी में ड्यूटी लगा दी जाती है। आज भी मैं वही कर रही हूं जबकि जिला अस्पताल में 10 महिला डॉक्टर मौजूद हैं। हम लोगों ने 3 जुलाई से जो चरणबद्ध आंदोलन किया था उसके तहत हमने 15 से 16 तक हमने हड़ताल की थी और 16 के बाद हमने कार्य ज्वाइन कर लिया था हमारा, लेकिन हमारी उस दौरान 6 दिन की जगह हमारी 7 दिन की सैलरी काटी गई और साथ ही साथ हमारे इंक्रीमेंट भी रोके गए और इसके साथ ही हमें जो एनकॉस का पैसा आया था वो भी रोका गया। तो मैं क्या सरकार से पूछना चाहती हूँ, क्या आप किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 3 बार सजा देंगे, 3 बार फांसी की सजा देंगे? वैसे ही क्या आप हम लोग एम्प्लॉई हैं तो क्या आप हमको एक अपराध के लिए 3 बार सजा देंगे? उसमें भी हमने एनकॉस का काम अनऑफिशियली काम पूरा किया है और हमारे ही द्वारा जिन 35 लड़कियों की सैलरी रुकी है वो हम ही में से हमारी साथी ही हैं जिन्होंने अनऑफिशियली काम किया है। हमारे साथ में उनके पूरे प्रूफ है, हमारे पास सिग्नेचर है, उनके फोटोज हैं, वीडियोज हैं। मुझको अभी है ना सिर्फ दूसरे स्रोतों से जानकारी मिली है, अभी मेरे पास इस तरह के कोई कागज सीधे नहीं है, लेकिन शायद ये विषय जो है ये माह जुलाई में नर्सिंग एसोसिएशन द्वारा एक हड़ताल की गई थी लगभग 6 से 7 दिन की, एग्जैक्ट डिटेल में अभी नहीं दे पाऊंगा लेकिन 6 से 7 दिन की गई थी। उस समय शासन के निर्देश थे कि इनको वेतन ना दिया जाए और बाद में शासन ने और भी कार्रवाई की थी कि इंक्रीमेंट रोकने की, तो जो भी हम लोगों ने कार्रवाई की है वो शासन के आदेश पर की और इसमें हमारा उनसे कोई भी व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। जिस दिन शासन आदेश करेगा कि उनको उस समय का वेतन दे दिया जाए हम उनका वेतन दे देंगे। सर से आरोपी लगाए गए कुल 103 जो नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन हड़ताल की सम्मिलित थी उनमें से 35 का वेतन नहीं काटा गया, बाकी के वेतन? जी हाँ, इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, उस समय पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्टिविटी चल रही थी, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड और एक शिशु रोग विभाग में मुस्कान कार्यक्रम है, तो उसका हमारा नेशनल लेवल असेसमेंट था जो कि एक और बाद में हम लोग उसको यानी क्लियर भी किए एग्जाम को, लेकिन उस समय हड़ताल की वजह से आप भी समझ सकते हैं हमें मैन पावर की कमी थी, तो हमने कुछ लोगों को अपील की थी कि वे लोग यानी इस हड़ताल से हटकर हमें सहयोग दें। जो जो नर्सें हड़ताल छोड़कर आई थी उनकी हम लोगों ने असेसमेंट में ड्यूटीज लगाई, उन लोगों ने असेसमेंट इस अस्पताल का कराया और इस अस्पताल को गौरव दिलाया। तो अब जिन लोगों ने उस दिन काम किया है, शासन के निर्देश भी हैं उस समय के उसके अवार्ड मनी के कि सिर्फ उनको दिया जाए जो असेसमेंट के दिन चिकित्सालय में उपस्थित थे, ना कि उनको दिया जाए जो नहीं थे, तो वो उसी हिसाब से कार्यवाही की गई है। उसमें मेरा कोई फेवरेटिज्म नहीं है, कोई जो हड़ताल पे गए थे उनके प्रति असम्मान नहीं है, हाँ लेकिन उनके प्रति सम्मान जरूर है जिन्होंने अपने हड़ताल से हटकर चिकित्सालय के प्रति अपने दायित्व को समझा और आकर हमें एक गौरव प्राप्त करने में सही। महिला डॉक्टर सुनीता सिंह की इस शिकायत की जांच कर रही अतिरिक्त जिला कलेक्टर साधना परस्ते ने बताया कि उन्होंने डॉक्टर सुनीता सिंह की शिकायत लेकर इस पर जांच शुरू कर दी है। हम तमाम बिंदुओं को बारी बारी से जांच रहे हैं और इस पर समुचित एक्शन लेंगे। हाँ, विगत जुलाई 23 में नर्सिंग एसोसिएशन के द्वारा हड़ताल आह्वानित की गई थी, उस दौरान जिला चिकित्सालय की नर्सेस ने भी हड़ताल की थी और इसी दौरान एनक्वायरी का कार्यक्रम भी हमारे ज़िले में चल रहा था।
चूँकि उस हड़ताल में कुछ नर्सेज ने भाग लिया, संभवतः सभी नर्सों ने भाग लिया और इस कारण से कुछ हमारे कार्यक्रम प्रभावित हुए। मगर इसके बाद शासन की तरफ से कुछ ऐसे निर्णय लिए गए जो उनके हित में नहीं थे। एक तो ये कि उस दौरान लगभग 7 दिवस या 6-7 दिवस का वेतन काटने के आदेश हुए थे और इसके बाद इनका एक असंचयी प्रभाव से इंक्रीमेंट रोकने के भी शासन ने आदेश दिए थे। अन्य जिलों की तो मुझे जानकारी नहीं है, मगर इन आदेशों का अक्षरशः पालन हमारे जिला चिकित्सालय के द्वारा किया गया और उसी संबंध में इनकी वेतन भी रुक गई, इनको एक इंक्रीमेंट का भी नुकसान हुआ असंचयी प्रभाव से, जो भविष्य में दे दिया जाएगा। इसी बीच एनकॉश की कार्रवाई चल रही थी, एनकॉश में कुछ लोगों ने भाग नहीं लिया, मगर हमें जो जानकारी मेरे आया है कि एनकॉश की जो कार्रवाई थी उसमें हमारी नर्सेस ने हड़ताल में रहते हुए भी सहयोग प्रदान किया और इसलिए उन्हें उसके ये हमारा इंक्वायर सफल हुआ और बल्कि इतना सफल हुआ कि हम क्वालिफाई भी कर गए और उस दौरान क्वालिफाई करने के एवज में कुछ राशि का भी हमें प्रावधान शासन ने रखा था जो मिली, जो उस अभियान में जिनने जो लोग अभियान में सहयोग किए थे उन्हें इक्वली डिवाइड करनी थी, मगर ज्ञापन में ये बात लिखी गई है कि उन लोगों कुछ लोगों को उस राशि का भी में मतलब सहयोग नहीं मिला और इस तरह से ये 2-3 मांगें उन्होंने दी हैं जो मेरे संज्ञान में इस मार्फत आई हैं। मैं अब इन इस ज्ञापन का संबंधितों को संबंधित अधिकारियों तक इनको पहुँचाने का प्रयास करूँगा।